आप सबकी सुई कहां गिरी थी? कभी विचार किया है हम सबकी सुई कहां गिरी, हमारा भगवान कहां से गायब हुआ और हम ढूंढने कहां निकले? हमारी शांति, हमारा आनंद, हमारा परमात्मा कहां से गुम हुआ? कभी विचार किया? वो अंदर से गुम हुआ और गया भी नहीं कहीं, मिसप्लेस हो गया है। हाँ हाँ, थोड़े इधर हो जाओ, फिर ऐसे नहीं, हाँ थोड़े इधर आ जाओ, जैसे उनको भी तकलीफ ना होगी। और इधर थोड़े, हाँ थोड़ा, बस बस इतने, हाँ नहीं ऐसे बैठो जैसे किसी को भी यहां बैठवाओगे, ठीक हो गया? हाँ दान करो। घर में कभी कोई चीज रख बैठते हैं भूल से, तो घर में ही ढूंढेंगे या रास्ते पर ढूंढने जाएंगे? बाहर भूल से रख दी कोई चीज और भूल जाती है, तो बाहर पड़ोसी के घर में ढूंढने जाते हैं, और दूर जाकर हरिद्वार में, मंदिरों में, काशी में कहां मिलेगी? जहां गई वहीं मिलती। मेहनत भी करते हैं ढूंढने के, लेकिन अपने इधर नहीं करते, गुम भी नहीं हुआ, थोड़ा खाली ऐसा लगता है खो गया, पुतली वहां चली गई थी, पेंडेंट पीछे। और कभी कभी पेंडेंट कपड़ों के ऊपर है तो पता भी नहीं पड़ता है कि कहां है। अब मैं ढूंढने जाऊं टॉर्च लेकर, बड़ी बड़ी लाइट लेकर, सब जगह वो पेंडेंट मिलेगा? कोई खाली ध्यान दिला देता है पेंडेंट, देखो यही तो नहीं है, अरे हाँ यही तो मिल गया, तो वो तो खोया कब था जो मिला, मिसिंग थी खाली, मिसिंग हो गई थी। भगवान भी ऐसा ही हमारे अंदर से कहीं ना कहीं मिसिंग वाला हो गया था। अब गुरु सच्चा, हमको यही बहुत सच्चाई की जरूरत है कि हमारे पेंडेंट को हमको दिखा दे, अदरवाइज भटकाएंगे। भगवान यहां नहीं मिला अंदर, तो और जगहों पर हमको भटकाया जाता है। हम शुक्राने मानते हैं, हजारों लाखों करोड़ों शुक्राने, हम लोगों को तो भटकना भी नहीं पड़ा, सच्चाई है। पर ऐसा नहीं है कि कुछ लोग, बहुत लोग भटक के नहीं आए हो, खाक छान के आए हैं। जहां पैसे का मामला था, सब कुछ था, सच्चे गुरु के मिलने के बाद ये क्यों हम ये दिन मनाने का कोई तुक भी नहीं था, क्योंकि हम गुरु को गया हुआ मानते ही नहीं है, जो वर्षिया मनना है। लेकिन एक महायादगिरी हो जाती है, हमको मिले कौन, मिले कौन जिन्होंने हमको अपने घर का पता दे दिया, हमारी सुई हमारे घर में दिखा दी। नहीं तो कमाल की बात है, जो दादा भगवान ने बोला, तुम कहते हो मैं गुरु का दर्शन करने चाहते हैं, तो गुरु ने तो अपना भी दर्शन नहीं किया है, तो हमारी आंखें हमारा चेहरा नहीं देख पाती, तो भगवान कैसे देखेंगी? सोचो तो सही, जो आंखें खुद को ही नहीं देख पाती हैं, चेहरा नहीं देख पाती हैं, वो भगवान कैसे देखें? इसीलिए बोला विण आंखें वेखना, ये गुरु हमको जब अंदरूनी, बहुत सुंदर बात बोली, भगवान तुम पर कृपा करता है और कर चुका है, भगवान ने अति कृपा की, मनुष्य चोला मिला, क्वेस्ट पैदा की, प्यास पैदा की, अभी उसके बाद गुरु मिला, और वो भी सच्चा गुरु, जो भीतर में कहीं अपने में अटकाने की बात आज तक सुनी है वाणियों में,
प्याओ मेरे पांव पड़ो, मेरे यानी चेले चपाटे बन के रहो, कभी नहीं। सीधा प्योर ज्ञान से शुरू होता है, प्योर तक ही रह जाता है। बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान की ये सबसे बड़ी बड़ाई है कि प्योर तू शुद्ध रूप आत्मा है, यही सच्चा गुरु देता है हमको संदेश। उससे कम वाले को मानना ही नहीं, तू भी है मैं भी है, सेवा करो, हमने तुमको आखिर अज्ञान से ऊपर किया है। मिक्स भाषा मिक्स बातें, तो बोला निकल के वहां से निर्वाक होना, लिहाज में नहीं बैठना। ऐसे सच्चे दादा भगवान की शरण ली है, उन्होंने पूरा सत्य देकर अंदर का अज्ञान तोड़ फोड़ डाला। सच्चाई है, अंदर का अज्ञान निकाल दिया। फील करते हो कि अंदर का अज्ञान गायब हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो न भगवान में कमी न गुरु में कमी, वाणियों में कमी नहीं। तो बाकी थोड़ा बहुत जो अपने पुरुषार्थ में जितने दिन सत्संग हुआ है, खास अभी का एक ही बात सबकी निकली कि जितना हम सुनते उतना पुरुषार्थ हमारा नहीं हो पाता है। अपनी कृपा, अगर ये खास अलग से मेहनत नहीं करो, पर जो सुनते हो उसको कायम रखो अपने अंदर, उसको कहीं जाने नहीं दो। विश्वास श्रद्धा ईमान जो निश्चय है उसको कहीं डावाडोल नहीं होने देंगे। तो जो भी सुना हुआ जाकर अंदर अपना काम करता है, आश्चर्य की बात है। यही ज्ञान पहले दिन से सबको तार के बैठा है, हमेशा तारणहार हे अर्जुन। ये ज्ञान एक नाव है, सच्चाई है। नाव जैसे बैठते हो दूसरे पार पहुंच जाते हो। तो अज्ञान इतना घेरे हुए था, लेकिन गुरु ने कृपा करके नाव दे दी। सत्संग की नाव मिली है, सत्संग की नाव मिल गई है, उसी से ही बेड़ा पार हो गया है, पार होता रहता है। सो क्यों विसरे जो विखते काड़े, जन्म जन्म का टूटा जोड़े जोड़ा है गुरु ने। अरे एक कहीं थोड़ी बहुत नस हड्डी लिगामेंट टूटते हैं, अहो महापीड़ा होती है। जिनके ऐसे हाल होते होंगे वो देखते होंगे कैसी अति पीड़ा में पड़े थे। ये तो मन ही टूटा पड़ा था, ख्याल ही टूटा पड़ा था, और कोई इस बार नहीं, इस जन्म में नहीं, पता नहीं कब से पीड़ा भोग भोग कर आए थे। और एक हमेशा पीड़ा बनी रहती थी अज्ञान में भी। ये क्वेस्ट का मतलब ही पीड़ा, पीड़ा थी, दुखी थे, परेशान थे, बहुत ही परेशानी में गुजारे हैं सपने दिन। बाहर से भले बहुत हंसते थे, पार्टियों में जाकर हो हल्ला करके टाइम पास करके आते थे, पर जब अकेले अपने साथ होते थे, ज्यादातर नहीं तो सत्संग में कोई ना आता, तो उस पीड़ा से निकले हो। अब भी पीड़ा के दिन हमेशा के लिए चले गए ऐसा फील करते हो? पीड़ा दुख अहंकार अशांतियां सबसे निजात मिल गई। कभी सोचा था कोई दुख होता है किसी के घर में, समझो डेथ हो जाती है, तो उस पीड़ा से शांति कब मिलेगी? जब सत्संग में आए। तो एक दुख से बचने के लिए आगे से ये दुख न लगे। क्या पता था सर्व दुखों की निवृत्ति, और ऐसा हुआ है। सर्व इच्छाओं से आजादी मिली है। क्यों? अभी भी सुना इच्छा वाले को भगवान नहीं मिलता है, हमको शांति कभी आएगी नहीं। फेयरवेल टू डिजायर, जिस दिन सभी इच्छाएं मोकलानी करके चले चली जाए, इच्छा रहेगी दुखी होते रहेंगे। भगवान से तो दूर, अपने से भी दूर, अपनी शांति से दूर हो जाते हैं। पर गुरु ने ऐसी आंख ऐसा प्रकाश ऐसा मिरर सबको दे दिया है
आंख भी दी, रोशनी भी दी, प्लस में एक आईना ज्ञान का दे दिया। मिला है उस आईने में अपने आप को निहारते रहते हो कि कोई इच्छा काला मुंह तो नहीं कर रही हमारा। कल भी दादा भगवान ने बोला, जितने कर्म करते हो काला मुंह करते हो। शब्द सुनकर लोग बोले काला मुंह, इच्छाएं काला नहीं कर देती है सबको? हाँ, कर्म क्यों करते हैं? इच्छाएं तभी तो कर्म करते हैं, सत्कर्म करें, ये करें, वो करें, और उस समय देखना इंतजारी बेकरारी, मुंह काला ही हो जाता है। जिसे जीव को चाह नहीं, सोई शाहू का शाह बेपरवा पाशाह हो जाता है, नहीं चाहिए। आप अपने लाइफ में देखते होंगे, जब कुछ नहीं चाहिए कितने आनंद में होते होंगे, फिर खटर पटर शुरू हो जाते हैं। बाकी उसको ये है, बाकी उसको वो है। तो अंदर से विचार करके देखना, जब तेरे पास वो चीज नहीं थी लेकिन याद नहीं थी तो खुश थे। बहुत चीजें उसके पास है, आपके पास नहीं होंगी, लेकिन आपको याद नहीं था तो आप खुश थे। अभी ना मुराद इच्छा घुस के आई, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास कम। तो कल भी तो ये था हाल, परसों भी तुम्हारा यही हालत थी तुम्हारी। मेरे पास कपड़े कम हैं, ये जिस दिन याद आया दुखी हुए। अच्छा, कपड़े अभी बहुत हो गए हैं, कबर्ड से गिर रहे हैं, तो भी दुखी हो। कब सुखी है इंसान? जिस घड़ी याद आया उसी समय व्यक्ति नीचे हो जाता है, नीचा। वैसे खुश हो, शाहों के शाह हो, जब चाह नहीं शाह हो। अब आई चुपके चुपके बला ये अंदर, अब ये पागल बना के छोड़ेंगे। जब तक वो करोगे नहीं, शांति नहीं आ। इसी पाप से छुड़ाया है गुरु ने, देह ध्यास रूपी और विकारों से ऐसे छुड़ा, क्योंकि आंख खोली, रोशनी दी, विवेक विचारणा जगा दी। समझ सकते हो? जब तुम्हारे पास ऐसा तो है नहीं कि सारा दिन इच्छाएं करते हो, सारा दिन नहीं करते हो। उस घड़ी को ऑब्जर्व करना जब कोई इच्छा नहीं थी, तो निर्विकारी नारायण बन गए थे। और जैसे ही ये चुपके चुपके बला आई, अब ऑब्जर्व करो आती कहां से। अंदर खाल है, बाहर द्वैत, ये ऐसे हैं, उनको ऐसा है, मेरे को नहीं है, उनका ऐसा वैसा वैसा। हजारों हजारों ख्वाहिशें, हजारों हजारों इच्छाएं मनुष्य को जैसे नहीं बिच्छू घेरे रहे, मक्खी मच्छर भी नहीं है, बिच्छू हैं, काटते रहते। फील करते हो बिच्छुओं के काटने से बच गए? हाँ, सच्चे दादा भगवान गीता भगवान का संग मिला, किसी न किसी अज्ञान में न एक बिच्छू, दो बिच्छू, हजार बिच्छू। ऐसे नहीं बोला गया है कि अगर मनुष्य की वासनाएं पूरी नहीं होती हैं तो मरने के समय हजार बिच्छुओं का डंक लगता है। उस समय वो लाचार है, कुछ कर नहीं पाता है। बिच्छू अभी भी, पर अभी उनसे लड़ाई करके कैसे कैसे कर रहा है। वो घड़ी जब लाचार है, पहुंच नहीं पाता है, पड़ा रहे और ये हमले होते, ये ज्ञान जीते जी उनसे मुक्ति दिलाने वाला है। जिंदे की मुक्ति है पूरे अज्ञान से। गुरु सिर काट देता है, जो आज तक अपना सिर बचा के रखे होंगे उनको हर घड़ी बिच्छू काटते होंगे। सच्चाई है, सिर रखे, सिर रखा है, हजार करोड़ों दुखों का हमने एक भंडार रखा हुआ अहंकार का सिर। जिस दिन गुरु से ऐसा ये सौदा हो जाता है, सच्चे दादा भगवान की महिमा क्यों न गाए, जो मिले। कई बार अफसोस भी होता है अपने पर, क्योंकि शायद वो मैच्योरिटी नहीं थी उनको पूरा कैच कर पाने के उनके सामने। कई कई बार वो बियॉन्ड ऐसे होते थे, फिर भी
जितनी कृपा गुरु ने करके कोई समझ खोल दी जिससे हम उनको कैच कर पाए, फिर भी जितना उसका संतोष भी है। कभी कभी लगता है आज की एज में उनको समझना ज्यादा इजी था, जो वो अभी मैच्योर ही नहीं हुए थे, इतनी जरूरत भी नहीं महसूस की थी। कितनों को हम देखते हैं, हम बोलते हैं कि इनको अभी तक वो जरूरत ही नहीं हुई है, अभी तक अवगत्या अहंकार की बीमारी से ही जूझ रहे हैं, निजात शायद नहीं पाना चाहते। ये तो गुरु ने अथक मेहनत करके छिपा कर डाल दिया जो आज खा रहे हैं। आज देखा जाए ये उन्हीं की मेहनत का प्रताप है, नहीं तो सच है उतनी कदर उनके सामने मुझे तो नहीं याद आता है मैंने कभी की हो उतनी कदर। बहुत कुर्बानी थी गुरु की, बहुत मेहनत थी गुरु की, पर आज जितनी कदर होती है उतनी नहीं होती। क्योंकि आज फिर ये भी एक बड़ी बात है, बाहर जहां सुनो वहां बहुत अज्ञानियों के, दुनिया के लोगों के तो प्रॉब्लम लगे ही पड़े थे, लेकिन जो गुरु गोसाइयों ने भी दिखा दिए रंग, और कदर होती है कि हमको सच्चा गुरु मिला, सच्चे दादा भगवान, गीता भगवान, माता का इतनी बहुत मेहनत। आज भी हमारे सभी, अब यहां हो रहा है 29 अप्रैल, तो क्या माउंट आबू में नहीं हो रहा है? वहां भी हो रहा है, कौन खाली हो सकता है? सभी शहरों में हर जगह ये दादा भगवान का दिन मनाना क्या है, मनाते ही रहते हैं। सच्चाई है, क्यों? किसी ने किसी को बोला नहीं कि ये दिन मनाओ, कोई भी दिन, लेकिन ये खुद ही और ये दादा भगवान की इनविटेशन, वही सबको बुलाकर अपने कार्य कर रहे हैं, आकर बैठते हो, रहते हो, कार्य हो रहे हैं, वही सबको बुलावा देकर और अपना ये सारा कार्य करा रहे हैं। उनके कार्य, उनके हैंडल्स सच्चे को आप ही मिल जाते हैं, इसीलिए वो ज्ञान प्राय अलूप नहीं होने देते हैं। ये कृष्ण को सत्संग करने का मौका नहीं मिला, दादा भगवान ने बहुत आगे जाकर हर घर को सत्संग मंदिर बना दिया। जहां आप बैठे हो वहां बैठकर सत्संग कर सकते हो। ऐसा हुआ है आपके सभी के घर, सुबह उठते ही बिछाना शुरू कर देते हो, गीता भगवान बोलते थे मरने के मरने का पिटना करते रहते हो सारा दिन, बिछा के चादर और आते हो और ये एक खुशी भी करते हो कि मन मर गया, जो अण हूंदो भोलो थो हो मालिक जे मन में, अण हूंदा भोला था, भरम पड़ा था, लेकिन इस भ्रम को कोई निवारण न करता तो हम कितने अवगत्य मरते जाते या नहीं। अगर ये भ्रम कोई हमारा गुरु निवारण नहीं करता तो क्या हाल होता फील करते? आगे जाकर आपका ही अंदर वाला कहते भ्रम ही था, दुख भी एक भ्रम था, पीड़ा भी एक भ्रम थी, मैं परेशान हूं, ढिंडोरा पीट रहे थे। आज ढिंडोरा पीटोगे? परेशानियां कहीं गई नहीं, तुम्हारा फोकस दूसरा हो गया। पहले परेशानियों में फोकस था, सारा समय वही नजर गाड़ के बैठे थे, मेरे को ऐसा है, मेरे को ऐसा है। अभी गुरु ने नजर का ऑपरेशन करके दूसरी जगह कर दिया, ध्यान करवाया और जगह। अभी आओ वर्णन करो दुखों का, तो ये खसीस बात है, ये भी छोटी बात है, ये भी जिसको इतना बड़ा मान मानकर, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी थी देह अध्यास, मैं फलाने हूं, ये भ्रम का भूत हमेशा पीछा करता था और उसी की वजह से और सब तकलीफें, बीमारियां, बकवास, परेशानियां रोज। बड़े क्रिएटर थे, क्रिएटर हो ना,
पहले नेगेटिव का क्रिएशन था, अब पॉजिटिव को क्रिएट कर सकते हो और किया होगा तो सुखी हुए होंगे। सच्चाई है पॉजिटिव क्रिएट किया नहीं कि सुखों का भंडार शुरू हो जाता है। खाली हमारा ध्यान जहां नहीं था वहां खिंचवाया जाता है, क्योंकि भगवान तो देगा नहीं गुरु, वो बोलता है तेरे पास पहले ही है। भरम हुआ था, भरम भुलाया,